नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। कब्जे के इरादे से नदी में की जा रही है खेती, वार्ड नंबर 6 सितारगंज का मामला। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सितारगंज वार्ड नंबर 6 शमशान घाट के पीछे एक नदी है जिसमें बरसातों का पानी आता है, वरना वे नदी सूखी पड़ी रहती है। इस मौके का फायदा उठाकर वहां रहने वाले कुछ बंगाली समुदाय के लोगों के द्वारा नदी में लगातार खेती की जा रही है। वहीं उपस्थित हरीश हालदार ने बताया कि खेती इस तरह कर दी गई है जिससे बरसात में आने वाला पानी नदी में पार नहीं हो पाता। कब्जे की नियत से की जा रही खेती भी सब लोगों की आपस में बटी हुई है, कोई भी किसी के खेत में नहीं जा सकता। वहीं उपस्थित वार्ड वासी दीपक ने बताया कि हम कभी इनके खेत में जाते हैं तो ये लोग हमारे से लड़ने मारने को उतारू हो जाते हैं। उन्होंने कब्जे की नियत से खेती कर रखी है जिसको तुरंत प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हटाया जाना चाहिए। जी हाँ, वरना बरसात आने के समय यहाँ भारी परेशानियों का सामना वार्डवासियों को करना पड़ेगा और शहर के अंदर फिर से बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है। पूर्व में भी इसी तरीके से बाढ़ आ चुकी है, पूरे शहर का पानी नदी में होकर बैंगुल डैम जाता है, इसलिए इस नदी की सफाई होना अति आवश्यक भी है। और पानी गाँव में घुस रहा है और सब लोगों ने दबाव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे पीछे लड़ने के लिए झगड़ा कर रहा है। बोले तुम्हें क्या पड़ा है, पूरा नदी में टटिया डाल दिया, वो बाढ़ डाल दिया है, तो घेर दिया, और जो पन्नी सन्नी गंदगी संदगी आ रहा है उसी में फंस जा रहा है और पानी गांव में घुस रहा है। और हाँ, मारने की धमकी दे रहा है हमें, जो तुम बोलने वाले कौन हो, तुम आगे बोलने वाले कौन होते हो, नाम तो पता नहीं, सभी लोगों ने कर रखा, आप किस किस के नाम बताऊँ रखी है, शेमल से नीचे तक काफ़ी दूर तक करा है। आप एक बार आके इंक्वायरी करके देख लिए जी। हरीश हलदार, 2 साल हो गया करते हैं। हाँ, खेती कर रहे हैं करते हैं वहाँ पे। ये तो मैंने पूछा नहीं है, हम लोग जाता है तो भैया ये क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर घुसने भी नहीं देते हैं किसी को, सब बेशरम से लकड़ी से पूरा घेर रखा है, उसमें कोई पन्नी तक जाके अटक जाता है तो पानी पूरा रुक जाता है, घरों में घुस जा रहा है सब। हाँ, उसके पीछे तक भी है। कहाँ तक? वो शिमल है, एक आगे एक शिमल का पेड़ है वहाँ तक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक। कहाँ रहते हो? नहर पर से नंबर 8।